जब एनटीवी टाइम के विशेष संवाददाता ने धार जिले के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंवर बाल मुकुंद सिंह गौतम से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि फ्लोर टेस्ट के लिए हमारी सरकार तैयार है, निश्चित तौर पर हमारे पास बहुमत है और 100% कांग्रेस सरकार मजबूत और सुरक्षित है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी और आने वाले साल भी सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, गौतम ने बदनावर के विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित सभी बागी विधायकों को पुनः कांग्रेस पार्टी के साथ देने का आग्रह करते हुए कहा कि वापस अपने घर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इतना ही नहीं, गौतम ने शिवराज के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें लंका का विभीषण बताकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को लंका बताया। हमारे बीच धार के पूर्व विधायक एवं धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम मौजूद हैं। सर, राज्यपाल महोदय ने बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी? फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं। माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट में तैयार हैं और स्पष्ट स्थिति कल हो जाएगी। निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट में हम पास होंगे, हमारे पास बहुमत सिद्ध होगा और बहुमत हमारे पास है। वर्तमान स्थिति को देखकर कांग्रेस सरकार कितनी सुरक्षित है? 100% कांग्रेस सरकार मजबूत और सुरक्षित है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी और आने वाले 10 साल फिर सरकार बनाएगी, इतना हम लोगों को भरोसा है। कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस की नीति रीति को छोड़कर व्यक्तिगत का साथ दे रहे हैं, वो इतना पछताएंगे जिसका हिसाब नहीं है। मैंने अभी भी निवेदन किया है उनसे कि वो जो 6 मंत्री थे, ना वो मंत्री रहे, ना वो अब कांग्रेस सदस्य रहे और न ही अब वो विधायक रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर ये मैं इनको भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी, ये 16 ही विधायकों को मैं दत्तीगांव जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वापस अपने घर पहुँच जाए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ताकि जो आज नागदा बदनावर में रुका था मैं, वहाँ की जनता अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रही है। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपना घर का पेट्रोल जला के घर की रोटी खा करके और कांग्रेस के लिए आपको वहाँ से चुन करके भेजा है। आपका भी फर्ज ये बनता है कि पूरे 5 साल जनता की सेवा करें। इसलिए मैं उनसे फिर विनती कर रहा हूं कि 16 के 16 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ताकि सरकार तो वैसे ही बची रहेगी। मैनेजमेंट दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का बहुत तगड़ा है, सरकार बची रहेगी, लेकिन इनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अपन समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो धोखेबाज पार्टी है। क्या गारंटी है कि इनको टिकट देगी और क्या गारंटी है जीत के आएंगे ये? क्या जो बीजेपी के वहाँ पर लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, क्या इनको बर्दाश्त करेंगे वो? मैं इनसे फिर विनती कर रहा हूँ कि आप अपने घर लौटाओ, मान सम्मान अपने घर में ही होता है, बाहर मान सम्मान का होता नहीं है, इसलिए विनती है कि वो वापस चले आए। शिवराज सिंह जी ने सिंधिया जी को विभीषण के रूप में कहा था। सिंधिया जी का बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में रहा, उनके 18 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने 17 साल राज किया है, 2 बार केंद्र में, 10 साल तक मंत्री रहे हैं, जिसके बाद कार्यकारिणी में रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश की जवाबदारी सौंपी गई, काफी मान सम्मान कांग्रेस में उनको मिला है। और पहले दिन देखने को मिल गया जिस दिन वो भाजपा में गए हैं, शिवराज सिंह जी ने ये कह दिया है कि अब लंका को डहाने के लिए विभीषण के रूप में हमारे पास सिंधिया जी आ गए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश लंका है? मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि ये पहला जो वानगी है अभी ये मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कभी नहीं करती है। जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी की होगी वो आने वाले 2-4 महीनों में देख लेना आपने। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक बगावत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा विनम्र निवेदन दत्तीगांव जी सहित जो 16 विधायक हैं उन सबसे है, क्योंकि आपने देखा है अभी 6 मिनिस्टर की मिनिस्ट्री चली गई है, कांग्रेस सदस्य नहीं बचे हैं और न ही वो विधायक बचे हैं। मैं इनसे जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इन सभी विधायकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना घर बगैर दर नहीं, आप अपने घर वापस लौट जाएं, और ताकि यहाँ क्यों कांग्रेस में जो मान सम्मान है वो बीजेपी में कभी देखा नहीं, मिलता नहीं है। अभी आप सिंधिया जी का देख लिया, आते से ही पहले ही दिन में शिवराज सिंह जी ने विभीषण का तमका लगा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बुला करके वो फिर अपमानित करती है, हमने कल ये देख लिया परसों। तो मेरा अनुरोध उनसे ये है कि अगर मान लीजिए कल वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो न ही वो कांग्रेस सदस्य बचेंगे और न ही वो विधायक रह सकेंगे। तो उनसे विनती है हाथ जोड़ के कि वो अपने घर वापसी आ जाएँ और अपने विधायक के संभाल रखें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, यही मेरी विनती है उनसे। वर्तमान की राजनीति में देखा जाता है कि थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति आने पर लोग दल बदल लेते हैं,
आप लगभग 20 से 25 वर्षों से सक्रिय हैं, कई तरह के आप पर भी दबाव बने थे शिवराज सरकार में, फिर भी आपने अपनी सक्रियता जारी रखी और किसी प्रकार का दल नहीं बदला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? छत्री हो गए रण से भागे, वहां को मांस गिद्ध नहीं खाए। हम कांग्रेस थे, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस रहेंगे, चाहे कितनी विपत्ति आए, कितना संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष के लिए हम सदैव तैयार हैं। एक अच्छे जिलाध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं, आपने वर्षों से कांग्रेस को सिंचित किया है, बदनावर की राजनीति में जो राजवर्धन सिंह जी इस तरह के मतलब दल बदल रहे हैं, क्या आने वाले समय में बदनावर में कोई परिवर्तन होगा, कांग्रेस मजबूत होगी या कमजोर होगी? आज की तारीख में जैसे मैं अभी जयपुर जा रहा था तो रस्ते में रुका था नागदा बदनावर, वापसी आने में भी एक हमारे मन्ना साहब ने फरमाया, बोले जन्मदिन है एक बच्चे का तो चलना है, वहाँ हम गए, 100,000 लोगों से मुलाकात हुई, हर कोई अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसीलिए मैं उनसे विनती कर रहा हूँ ततीगांव जी से कि उनके साथ आप छल कपट धोखा कर रहे हो, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी संभल जाइए, तो कांग्रेस से वापस सदस्य हो आप, विधायक भी हो आप, कांग्रेस से पीछे मतदान करके तो कांग्रेस को और भी मजबूत करें, क्योंकि वहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसके उपरांत भी अगर भगवान को सद्बुद्धि नहीं देता है, वो नहीं अपने पद पे चलते हैं, वो दल बदल करते हैं, तो मैं आश्वासन देता हूँ बदनाव की जनता को कि चीफ मिनिस्टर साहब कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हम जिला कांग्रेस पूरी साथ उनके हैं, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर रहेगी और उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहेगी।